दोनों के लिए पहले तो आपको दो बाउल सूजी ले लेना है, उसके बाद यहाँ पे चार बाउल आपको मैदा ले लेना है, उसका डबल क्वांटिटी आपको लेना है, और उसके बाद दो बाउल आपको चीनी ले लेना है, उसके बाद कुछ इलायची पाउडर और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद गर्म पानी डाल के अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर लेना है जैसे लम्ब्स ना रहे, उसके बाद 15 मिनट रेस्ट करने छोड़ देना है या फिर आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पान मोहरी जो सौंफ बोलते हैं उसी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑयल आपको गरम कर लेना है, और ऑयल जैसे ही गरम हो जाता है उसी को पुआ को आपको डाल दे लेना है, और इसको ऑयल थोड़ा ऊपर ऊपर डाल दीजिए और वो ऐसे फूल जाएगा और आपको पुआ बनके तैयार हो चुका हुआ है।